10+1 बायोलॉजी, इसके 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, उनमें से चैप्टर नंबर 3 बुक का चैप्टर नंबर 16। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नंबर 2 यूरिन फॉर्मेशन, नंबर 3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, नंबर 4 मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, नंबर 5 रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, नंबर 6 मिक्चुरिशन, नंबर 7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, नंबर 8 डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नंबर 1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन यूरिन फॉर्मेशन, नंबर 2 और नंबर 3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। नंबर 3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इसके हम 4 फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, नंबर 2 हेनलीज लूप, नंबर 3 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, नंबर 4 कलेक्टिंग डक्ट। आगे नंबर 4 पर है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, नंबर 5 रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, नंबर 6 मिक्चुरिशन, नंबर 7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और नंबर 8 डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, यूरिलीमा, हेमोडायलिसिस, रीनल फेल्योर, रीनल कैलक्यूलाई, ग्लोमेरुलो नेफ्रिटिस। 5th नंबर पर यह है चैप्टर 16।